हेलो एवरीवन। तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ये बैक एक्सरसाइज करेंगे आज की वीडियो में हम लोग। तो चालू करते हैं। द वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज फॉट, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर कब हुई थी। सिंपल है, चार डेट हुई है, अपन को बताना है कौन सा डेट है। तो 11 जुलाई 1962, 20 अगस्त 1964, 20 अक्टूबर 1962, 11 जुलाई 1965। तो कब हुई थी ये डेट, क्या कौन सी डेट पे हुई थी? 20 अक्टूबर 1962। ये डेट्स याद रखना है, ठीक है। द रीजन ऑफ वॉर ऑफ 1965 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज, ठीक है। क्या रीजन था कि 1965 में जो वॉर हुई थी, जो यू नो वॉर हुई इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1965 में, उसका रीजन क्या था? सो द एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ, जैसलमेर ऑफ राजस्थान, आजाद कश्मीर, स्पाइंग ऑन इंडिया। तो क्या था? द एरिया ऑफ द रन ऑफ कच्छ, मैंने बताया, मतलब इसकी पूरी स्टोरी पता है ना अपन को, ठीक है। लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज केम टू इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। कहाँ से आए थे बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में? बांग्लादेश से, ठीक है, ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक्स। Special status has been given to the state of Jammu and Kashmir under Article Dash of the Constitution of India. कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडिया का, ठीक है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है? क्या नाम है उस आर्टिकल का? 370। ऑल्दो अब वो नहीं है, लेकिन इस बुक के हिसाब से अपन को वही लिखना है, ठीक है, 370। The war between China and Japan started in the year, यहाँ पे China and Japan की बात हो रही है कि China और Japan में जो war थी वो कब चालू हुई थी? 1937, ठीक है, fine. After the Indo-Pak war of 1971, Dash country was formed. मतलब कि 1971 में जो इंडो और पाक, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई, उसके बाद कौन सी कंट्री फॉर्म हुई थी? कौन सी फॉर्म हुई थी? बांग्लादेश। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया डैश टाइम्स सो फार, ठीक है। कितनी बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है इंडिया में? 4 times, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग है, ऑल्दो मैंने कर दिया पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया को पीसफुल, मतलब कि इंडिया को किसी से लैंड नहीं लेना, इंडिया को किसी को परेशान नहीं करना, इंडिया को यू नो किसी कंट्री की जो टेरिटरी है उसमें इंटरफेयर नहीं करना, इंडिया को सिर्फ एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहिए। तो ये शो करता है क्या अपना फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो वन का क्या है? ई, ठीक है। देन कबालीज एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये इन्वेजन ऑन कश्मीर, मतलब इन दोनों ने मिलकर क्या करने की कोशिश करी थी? कश्मीर पे इन्वेजन। तो इसका क्या हो गया? डी, ठीक है। एटॉमिक टेस्ट कहाँ पे हुआ था? पोखरण, है ना, उसका हो गया बी। देन मुक्ति वाहिनी आर्मी कहाँ की थी? ये बांग्लादेश की, ठीक है, इसका क्या होगा? ए। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्लान, ठीक है, ये जो गाइडेड मिसाइल प्लान था उससे कौन कनेक्टेड है? अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम, वो इस यू नो प्रोग्राम के क्या थे? चेयरमैन। सो सी नाउ वेरी, यहाँ से कर लेते हैं ये, सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेम द मिसाइल्स प्रिपेयर्ड बाय इंडिया, ठीक है, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ कितनी मिसाइल्स थी जो इंडिया ने बनाई, मतलब क्या नाम था उन मिसाइल्स का जो इंडिया ने बनाया था? क्या था? पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, अग्नि, ठीक है। क्या क्या था? पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, अग्नि, ठीक है। तो सिंपल नेम है, याद रखना। फॉर द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम टीम ऑफ विच फाइव कंट्रीज वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द
सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम हुई थी, फॉर द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर, कश्मीर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए किन पांच कंट्रीज, टीम ऑफ विच फाइव कंट्रीज, किन पांच कंट्रीज को यू नो बनाया गया था, मतलब कंस्टिट्यूट करा गया था, किसके द्वारा? सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने किन पांच कंट्रीज को बोला था कि तुम जाओ और देखो इंडिया और पाकिस्तान में कि क्या प्रॉब्लम है और उसकी एक रिपोर्ट बना के दो, है ना। तो ये चीज जो स्लोवेकिया, ओके, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया, बेल्जियम, तो इन पांच कंट्रीज को बोला था क्या अपना हमारे लिए क्या बोलते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कश्मीर है, कश्मीर के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए, और रिपोर्ट किसको सबमिट करने के लिए? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, राइट, व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान टू स्टॉप ब्लॉक द एंट्री ऑफ कबालीज, ठीक है। तो क्यों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने पाकिस्तान को रोका कि तुम कबालीज की एंट्री मत करो कहाँ पे, कश्मीर में, क्यों रोका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एमपी बोर्ड 2021 में भी आया हुआ है। सो व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान टू स्टॉप ब्लॉक द एंट्री ऑफ कबालीज, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू अश्योर्ड दैट द पीपल ऑफ कश्मीर विल डिसाइड थ्रू प्लेबिसाइट विद होम इंडिया और पाकिस्तान दे वॉन्ट टू मर्ज। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उस टाइम के क्या प्राइम मिनिस्टर जो थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने अश्योर किया था लोगों को, ठीक है, क्या अश्योर किया था लोगों को, कश्मीर की, कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद डिसाइड करेंगे एक प्लेबिसाइट। अपन ने पहले देखा है कि प्लेबिसाइट का क्या मतलब है, प्लेबिसाइट का मतलब है कि लोग अपने आप ही वोट करें, ठीक है, खुद मिलकर वोट करें कि बताओ, मतलब वो वोट करें कि हमें किसके साथ रहना है, किस गवर्नमेंट के साथ रहना है, किस रूलर के साथ रहना है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे तो दो ही गवर्नमेंट थी बेसिकली, दो ही कंट्री थी, पाकिस्तान और इंडिया। तो इनके बीच में उसको क्या पाकिस्तान के साथ में जाना है या इंडिया के साथ में जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वहीं के लोग यानी कि कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे, ऐसा बोला था। ये मतलब होता है प्लेबिसाइट का, और प्लेबिसाइट होगा ऐसा किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ठीक है, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, विथ होम इंडिया और पाकिस्तान दे भमा, कि भाई किस 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 कंट्री के साथ उनको मर्ज करना है वो खुद डिसाइड करेंगे, है ना। विथ होम इंडिया और पाकिस्तान दे वॉन्ट टू मर्ज। After the war is over and peace is resorted in Kashmir, ठीक है, तो जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ और पीस आ गया कश्मीर में, ठीक है, वॉर के खत्म होने पे और कश्मीर में यू नो पीस के माहौल में, शांति के माहौल में, इन द बिगनिंग पाकिस्तान डिडंट मेक एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कश्मीर, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया requested to stop the Kabalis from infiltrating, ठीक है। तो जैसी वॉर, मतलब कौन सी वॉर खत्म हो गई, वॉर मतलब कि जो अपनी वॉर नहीं, लेकिन जैसी अपन को इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, तो जैसी इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, तो कश्मीर में पीस हो गया, दोनों कंट्रीज में पीस हो गया, लेकिन उस टाइम पे कश्मीर ने कुछ बोला नहीं कि देखो कश्मीर हमारा है या कुछ भी, कश्मीर ने कोई छेड़खानी नहीं करी उस एकदम स्टार्टिंग में। और लेकिन अब काबिलीज को भेज रहा था वो, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि तुम काबिलीज को भेजना बंद करो, ठीक है। और क्या बोल, इनफिल्ट्रेशन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, टू स्टॉप द काबिलीज फ्रॉम इनफिल्ट्रेटिंग, इनफिल्ट्रेटिंग मतलब कि वहां पे कश्मीर के लोगों के बीच में काबिलीज को मत भेजो, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे जो वहां के रहने वाले नहीं है, दूसरे लोग जो आए उन्हें क्या कहेंगे हम, इनफिल्ट्रेशन। तो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों मना करा पाकिस्तान को कि कश्मीर के अंदर ये सिर्फ मत करो, इनफिल्ट्रेशन मत करो, ठीक है। इन द बिगिनिंग पाकिस्तान डिडंट मेक एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कश्मीर, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड टू स्टॉप द काबिलीज फ्रॉम इनफिल्ट्रेटिंग। When it was event that Pakistan government itself is helping the Kabilis, then on the advice of Lord Mountbatten, the Governor General Government of India lodged a complaint in the Security Council that the Kabilis, with the help of Pakistan, has attacked Kashmir, which is
पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब पहले तो देखो, पहले तो ये था कि हमको लग रहा था कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो कुछ काबिलीज है, वो अपना अकेले ये सब कर रहे हैं, अकेले ये सारी हरकतें कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो ये सब कर रही है। जैसे ही हमको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इन सबसे मिली हुई है, ये इन सबसे मिली हुई है, किससे मिली हुई है, काबिली से, ये खुद मिली हुई है, तो फिर क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, ये गवर्नर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनकी मदद से, इनकी मदद से कह रही हूँ, इनकी एडवाइस से बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक कंप्लेन करी कहाँ पे, सिक्योरिटी काउंसिल में, कि देखो जो काबिलीज है पाकिस्तान की हेल्प से, किसकी हेल्प से, जो काबिलीज है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, किस उन्होंने क्या किया है, कश्मीर पे अटैक किया है जो कि अभी इंडिया का पार्ट है। दिस हैज पोस्ट अ डेंजर टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं एक डेंजर था, किसके लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो आई गेस कि आपको मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है पाकिस्तान को रोका काबिलीज की एंट्री के लिए, क्यों रोका था, क्योंकि जो जो क्या बोलते हैं, जो शुरुआत में जैसी इंडिपेंडेंस मिली थी तब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा था, बस क्या हो रहा था कि काबिलीज आ रहे थे और वहां पे इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, परेशान कर रहे थे। जब इस चीज से उनको रोका गया तो ये चीज बंद नहीं हुई, उल्टा कुछ टाइम बाद ये पता चला कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी इससे मिली हुई है। तो क्या हुआ, इंडिया ने फिर क्या किया, सिक्योरिटी काउंसिल में इस बारे में कंप्लेन करी, ठीक है। What were the effects of Indo-China war, or write the effect of Indo-China war, or write any four consequences of Indo-China war? तो basically एक ही question का इन्होंने और करके तीन चार वो दिखाए, मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है ना। सही बात है, हिस्ट्री में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन जो है इधर उधर होते रहते हैं, और करके मतलब थोड़े अलग अलग होते रहते हैं, आंसर इनका सेम ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर के इफेक्ट्स क्या थे, ठीक है, क्या इफेक्ट्स थे इंडो चाइना वॉर के, या फिर राइट द इफेक्ट्स ऑफ इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर के इफेक्ट्स राइट लिखो, ठीक है। राइट एनी फोर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडो चाइना वॉर, कोई भी चार कॉन्सिक्वेंसेस लिखो इंडो चाइना वॉर के। तो बेसिकली जितने भी हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं हम एमपी बोर्ड में आ चुके हैं 2009, 2011 में, 2009 से 2010 में, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ इंडो चाइना वॉर वन, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एफर्ट इफेक्ट्स देखें इंडो चाइना वॉर के, तो कुछ इस तरीके से थे, द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज चेंज, ठीक है। सबसे पहले तो इंडो चाइना वॉर की वजह से जो रिलेशन है दोनों ही कंट्रीज के बीच में वो स्टेंड हो गया, स्टेंड मतलब कि वो खराब हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर चलेगी तो जो रिलेशन है उन दोनों कंट्रीज के बीच में उसका खराब होना तो ऑब्वियसली है। सो द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज स्टेंड, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड क्या है, अ लार्ज एरिया ऑफ द इंडियन टेरिटरी वेंट टू द हैंड्स ऑफ चाइना, एक बहुत बड़ी जो एरिया था जो कि इंडियन टेरिटरी में आता था उस वक्त इंडो चाइना वॉर से पहले, वो किसको चला गया, चाइना को चला गया, ठीक है। सो लार्ज एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी वेंट इन द हैंड्स ऑफ चाइना। सेकेंडली थर्ड पॉइंट क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल इमेज एंड नॉन अलाइंड पॉलिसी वो हार्म, इंडिया की जो इंटरनेशनल इमेज थी, इंटरनेशनल इमेज समझ में आ रहा है ना, कि कैसे हम जो है हम पीस लविंग कंट्री हैं, हमें हम किसी से वॉर नहीं करते, हम हमें किसी का लैंड नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, ये जो भी है, तो ये जो एक इंटरनेशनल इमेज इंडिया ने बना के रखी थी वो कहीं ना कहीं खराब हो गई थी, ठीक है, वो उस पे असर हुआ था। एंड नॉन अलाइंड पॉलिसी वर हार्म्ड, नॉन अलाइंड पॉलिसी मतलब कि इंडिया ने क्या बोला था कि हम किसी से अलाइंड नहीं है, किसी भी और कंट्री से हम किसी भी मामले में अलाइंड नहीं है, ठीक है। ना तो हमारा कोई दुश्मनी वाला मामला है किसी भी कंट्री से, और ना ही हमारी कोई दोस्ती है किसी और कंट्री से, ठीक है। हमें हमें किसी और कंट्री से दुनिया की हमें कोई मोह माया नहीं है, हम सिर्फ इंडिया में ही खुश हैं और अपनी कंट्री को बचा के रखना चाहते हैं। तो जो भी है, तो ये नॉन अलाइंड पॉलिसी जो थी वो भी हार्म हुई, किस वजह से, अपने इंडो चाइना वॉर की वजह से।
In the foreign policy of India, realism was considered better than idealism. ठीक है, तो जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की उसमें यही बताते हैं कि रियलाइज्म इज कंसिडर्ड बेटर देन आइडियलिज्म। ठीक है, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, देयर आर इम्पोर्टेंट इन द इंडो अमेरिकन रिलेशन। तो इम्प्रूवमेंट इन द इंडो अमेरिकन रिलेशन मतलब कि जब हमारी चाइना के साथ वॉर हुई, हमारी चाइना के साथ यू नो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो नाउ चाइना एंड अमेरिका वर ऑल्सो नॉट फ्रेंड्स। वट नॉट फ्रेंड्स तो हम छोड़ो, दे आर एनिमीज। ठीक है, क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों ही एक इमर्जिंग नेशन थे और कहीं ना कहीं उन दोनों में मतभेद रहता था। तो जैसे ही चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन बिगड़ते हैं तो इंडिया को सपोर्ट करने कौन आ जाता है? अमेरिका आ जाती है। ठीक है, सो देर वॉज इम्प्रूवमेंट इन द इंडो अमेरिकन रिलेशन। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। समझ में आ गया ना, पहला पॉइंट क्या था कि जो रिलेशंस थी इंडिया चाइना की वो खराब हो गई। सेकंड क्या, जो बहुत बड़ी टेरिटरी थी वो चाइना के हाथ में चली गई। थर्ड क्या, जो इंटरनेशनल इमेज थी और नॉन अलाइन पॉलिसी थी इंडिया की वो खराब हुई। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कि इंडिया क्या बिलीव करता है कि रियलिज्म ज्यादा अच्छा है आइडियालिज्म से। देयर वॉज इम्पोर्टेंट इन द हाँ, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप ये इम्प्रूव हुए क्यों? इंडो चाइना वॉर के वजह से। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। व्हाट वर द कंडीशन लेड डाउन फॉर द तश्कंद एग्रीमेंट, मतलब क्या ऐसी कंडीशंस थी जो कि हमें तश्कंद एग्रीमेंट करना पड़ा? व्हाट वर द कंडीशंस लेड डाउन फॉर तश्कंद एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट की बात करें, राइट द कंडीशंस ऑफ तश्कंद एग्रीमेंट, मतलब अगेन की क्या कंडीशंस रही तश्कंद एग्रीमेंट की, मतलब क्या बोलता है तश्कंद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या कंडीशंस लिखे हुए हैं बेसिकली। राइट द मेन कंडीशंस लेड डाउन फॉर द तश्कंद एग्रीमेंट, अगेन वही चीज बोली गई है कि क्या कंडीशंस लिखे गए हैं तश्कंद एग्रीमेंट में। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ दिस एग्रीमेंट वर एज फॉलोज। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इस एग्रीमेंट की वो कुछ इस तरीके से है। बोथ द कंट्रीज एग्री टू बिल्ड हारमोनियस रिलेशंस लाइक गुड नेबर्स। ठीक है, तो दोनों ही कंट्री जो है उन्होंने ये बात मानी कि हाँ हम एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाएंगे एक अच्छे नेबर्स की तरह। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट है कि दोनों ही कंट्रीज हार्मनी के साथ रहेंगी, एक अच्छी नेबर की तरह यू नो अपनी अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगी। सेकंड क्या है, बोथ पार्टीज एग्री टू कॉल बैक देयर आर्मीज एंड रिस्टोर द पोजीशन एज इट वाज बिफोर 5th अगस्त 1965। बोथ द पार्टीज विल अबाइड बाय द कंडीशन ऑफ सीज फायर। ठीक है, तो जो बोथ द पार्ट, बहुत अच्छा, यहाँ पे कौन सी दो कंट्री की बात हो रही है समझ आ रहा है ना, इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों कंट्री की बात हो रही है। और तो क्या, पहला तो है कि हम हार्मनी के साथ रहेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है, बोथ पार्टीज एग्री टू कॉल बैक देयर आर्मी, दोनों ही जो पार्टीज थी उन्होंने माना, वो मान गई कि हाँ हम अपनी आर्मी को कॉल बैक कर लेंगे एंड रिस्टोर द पोजीशन, और अपनी पोजीशन को रिस्टोर करेंगे एज इट वॉज बिफोर 5th अगस्त। कैसे रिस्टोर करेंगे, जैसे कि वो 5th अगस्त से पहले थी, 5th अगस्त 1965 से पहले थी। बोथ The parties will abide by the condition of ceasefire. दोनों ही parties ceasefire की जो condition थी उसको abide करेगी, ये था दूसरा point. Third point, both parties agree to abstain from interfering in the internal matter of each other. ठीक है, तो जो दोनों ही parties हैं, दोनों ही parties यानी कि India और Pakistan, दोनों ही की जो parties है वो एक दूसरे की internal affairs में interfere नहीं करेंगे. So, abstain from interfering in the internal matter of each other. Discourage publicity against each other and restore diplomatic relations. ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, discourage publicity against each other. मतलब कि each other, मतलब एक दूसरे के against अगर कोई गलत publicity हो रही है, मतलब पाकिस्तान अगर कुछ गलत बोल रहा है इंडिया के बारे में, या फिर इंडिया कुछ गलत बोल रहा है पाकिस्तान के बारे में, तो ये discourage publicity हो रही है, ये दोनों ही countries नहीं करेंगी और अपनी एक अच्छी diplomatic relationships बना के रखेंगी। Besides, it was also agreed that the relation between both the countries in the field of economic, commercial and cultural sectors shall be made. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन सब के बाद ये भी agreed, मतलब ये भी माना गया था, it was also agreed
दैट रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज, मतलब दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो भी रिलेशन है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक कमर्शियल एंड कल्चरल सेक्टर शॉल बी मेड कॉर्डियल। ठीक है, इसको क्या बनाया जाएगा, कॉर्डियल बनाया जाएगा, मतलब कि अच्छा बनाया जाएगा इन तीनों ही सेक्टर के बीच में जो भी यू नो रिलेशनशिप्स है उनको। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, सो व्हाई चाइना, वन सेकेंड, सो व्हाई चाइना डिक्लेयर्ड वन साइडेड सीज फायर एंड ऑफ वॉर इन द इंडो चाइना वॉर। ठीक है, तो क्यों चाइना ने डिक्लेयर किया कि वन साइडेड सीज फायर, मतलब चाइना ने वन साइडेड सीज फायर एंड ऑफ वॉर क्यों डिक्लेयर किया इंडो चाइना वॉर में। ठीक है, तो अपन ये देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना क्रॉप्ड अप ऑन द तिब्बत इशू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से चालू हुई थी, तिब्बत इशू से चालू हुई थी, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। सो द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सॉरी इंडिया एंड चाइना क्रॉप्ड अप ऑन द तिब्बत इशू। इंडिया वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द राइट ऑफ चाइना ओवर तिब्बत बट वॉन्टेड दैट अ सोवन गवर्नमेंट बी सेट अप देयर। तो इंडिया जो थी वो रेडी थी कि वो एक्सेप्ट कर लेगी राइट ऑफ चाइना ओवर, इंडिया वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द राइट ऑफ चाइना ओवर तिब्बत, मतलब कि इंडिया ने बोला हाँ ठीक है चाइना को अगर तिब्बत रखना है तो वो रख ले, बिल्कुल रख ले, बट वॉन्टेड दैट अ सोवरेन गवर्नमेंट भी सेटअप देयर। लेकिन उन्होंने मांगा, मतलब इंडिया ने मांगा कि वहाँ पे एक अच्छी गवर्नमेंट एटलीस्ट बैठनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठनी चाहिए। Ignoring India's wishes, China started army action in Tibet on 25 October 1950. तो ignoring India's wishes, India की जो ये wish थी उसको ignore करके China ने एक army action किया, कहाँ पर, तिब्बत में। कब किया, 25 October 1950 को। ठीक है, so ignoring India's wishes, India के wishes को ignore करके China started army actions in Tibet on 25 October 1950. ये डेट याद रखना है अपन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपोज दिस एक्शन ऑफ चाइना इन, तो इंडिया थी उसने अपोज किया इस एक्शन को चाइना के, इंडिया अपोज दिस एक्शन ऑफ चाइना। ठीक है, देन इन मार्च 1958 ऑपोजिशन स्टार्टेड इन तिब्बत अगेंस्ट चाइना। ठीक है, तो मार्च 1958 की अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन स्टार्ट हो गया कहाँ पे, तिब्बत में, कि तिब्बत में अंदर ही, मतलब तिब्बत के ही लोग अपोज करने लगे कि हमें चाइना के अंदर नहीं रहना, हमें चाइना के गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहना। ऑपोजिशन स्टार्टेड इन तिब्बत अगेंस्ट चाइना। द रिवॉल्यूशनरीज हैड द रिपोर्ट ऑफ दलाई लामा। ठीक है, तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे वहां के हैड द सपोर्ट, सॉरी नॉट रिपोर्ट, हैड द सपोर्ट ऑफ दलाई लामा। ठीक है, तो दलाई लामा जो थे उनका सपोर्ट था किसको, वहां के रिवॉल्यूशनरी को। रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरीज कौन, जो कि रिवोल्ट कर रहे थे कि हमें बेसिकली यहाँ पे नहीं रहना, मतलब बेसिकली हमको चाइना की गवर्नमेंट हमारे ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, व्हेन चाइना ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट बाय तिब्बतियंस, दलाई लामा हैड टू लीव तिब्बत। तो जब चाइना ने सप्रेस करने की कोशिश करी इस मूवमेंट को, तो जो तिब्बतियंस थे, ठीक है, क्या बोलते हैं, और जो दलाई लामा थे उनको तिब्बत को लीव करना पड़ा। बेसिकली दलाई लामा को तिब्बत को लीव करना पड़ा जब चाइना ने उनको सप्रेस करने की कोशिश करी। तो इंडिया अलाउड दलाई लामा टू स्टे इन इंडिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इंडिया जो था उस टाइम पे उसने अलाउ किया दलाई लामा को कि ठीक है अगर यू नो तुम तिब्बत में नहीं रह सकते और इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो तुम इंडिया में रह लो। मतलब कि बेसिकली इंडिया ने शरण दी, किसको शरण दी, तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी, और इसी वजह से काइंड ऑफ कोल्ड वॉर चालू हो गई दोनों ही कंट्रीज के बीच में। ठीक है, अलाउड दलाई लामा टू स्टे इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, विद द चाइना स्टार्टेड रेजिंग द बॉर्डर इशू। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो चाइना था उसने क्या चालू कर दिया, बॉर्डर इशू रेज करना चालू कर दिया। इंडिया अगेन ट्राई टू नॉर्मलाइज रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पंचशील प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अगेन इंडिया ने चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी। ठीक है, किस बेसिस पे, पंचशील प्रिंसिपल्स पे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना
the Prime Minister of India and China had a meeting in Delhi to sort out the border issue. तो अगर हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर थे अपने इंडिया के और चाइना के, वो दोनों ही दिल्ली में मिले. ठीक है, क्यों मिले? ताकि वो सॉर्ट आउट कर सके बॉर्डर इशू को. सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना हैड अ मीटिंग इन दिल्ली टू सॉर्ट आउट द बॉर्डर इशू. देयर आफ्टर अ सीरीज ऑफ मीटिंग वर हेल्ड बिटवीन द टू कंट्रीज, बट चाइना अटैक द NEFA एरिया. उसके बाद जो है बहुत सारी मीटिंग्स हुई दोनों ही कंट्रीज में, चाइना इंडिया के बीच में बहुत सारी मीटिंग हुई, लेकिन इंस्टेड ऑफ द मीटिंग बेसिकली अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था कि क्या होना है क्या नहीं होना है. उससे पहले ही चाइना ने अटैक कर दिया. कहाँ पे अटैक कर दिया? NEFA एरिया में अटैक कर दिया, ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर, ये जो जगह है यहाँ पे अटैक कर दिया. किसने? चाइना ने. और कब अटैक किया? सितंबर 1962 में. द एफ्रो एशियन कंट्रीज ऑफर्ड सर्टेन सजेशन इन द कोलंबो कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1962 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडो चाइना वॉर. मतलब जो एफ्रो एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, एफ्रो एशियन कंट्रीज कौन, जो मतलब ऑफ, हाँ, तो ये जो एफ्रो एशियन कंट्रीज थी उन्होंने क्या ऑफर किया, क्या सजेशंस थे उनके, उन्होंने कुछ सजेशंस ऑफर किए कहाँ पे? कोलंबो कॉन्फ्रेंस में. अब ये कोलंबो कॉन्फ्रेंस हुआ कब था? दिसंबर 1962 में. ठीक है, और ये किस तरह के सजेशंस थे? ये सजेशंस थे इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडो चाइना वॉर. ठीक है, इंडो चाइना वॉर के रिस्पेक्ट में ये सजेशंस थे. इंडिया एग्री टू दीज सजेशंस प्रिंसिपली. तो जो भी सजेशंस इन्होंने दिए, इंडिया ने उन सजेशन को माना. ठीक है, इंडो चाइना वॉर के लिए इन्होंने जो सजेशंस दिए, इंडिया ने उन सजेशंस को प्रिंसिपली माना, अच्छे से माना. ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो जो चाइना है उसने वन साइड सीज फायर क्यों डिक्लेयर कर दिया था, क्यों डिक्लेयर कर दिया था? क्योंकि सबसे पहले तो जो ये वॉर की स्थिति बनी थी, जो ये प्रॉब्लम चालू हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, वो कैसे चालू हुई थी? तिब्बत इशू के कारण चालू हुई थी. इंडिया ने बोला कि अगर चाइना को तिब्बत रखना है तो तुम रख लो, लेकिन वहां पे एक सोवन गवर्नमेंट आनी चाहिए. चाइना ने हमारी बात पे, मतलब इंडिया की बात पे इतना गौर नहीं किया और वहां पे एक आर्मी एक्शन ले लिया वहां के लोगों पर. इंडिया ने इस चीज का सपोर्ट, इंडिया ने इस चीज को अपोज किया. कुछ टाइम बाद वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ को अपोज किया कि हाँ, हमें चाइना के अंदर नहीं रहना. ठीक है, और इस यहीं से जो है इंडिया और चाइना की जो है मतभेद चालू हो गया. जो तिब्बत के रिवॉल्यूशनरीज थे जिनको पास दलाई लामा का सपोर्ट था, जब चाइना ने तिब्बत को सप्रेस करने की कोशिश करी तो क्या हुआ कि दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा. जब दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा तो इंडिया ने दलाई लामा को अपने यहाँ पे शह दी, और इंडिया ने जब उनको शह दी तो क्या हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चालू हो गई. इसका रिजल्ट क्या हुआ? चाइना ने बॉर्डर इशू निकालना चालू कर दिया. ठीक है, अब बॉर्डर इशू जैसे ही आया तो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स, यानी कि इंडिया और चाइना, दोनों के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे से मिलने लगे. लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल फैसला नहीं हुआ था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इससे पहले ही जो है, जो यू नो चाइना है, उन्होंने अटैक कर दिया था. कहाँ पे अटैक कर दिया था? NEFA एरिया, यानी कि ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर पे अटैक कर दिया था सितंबर 1962 में. एफ्रो एशियन कंट्रीज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोलंबो कॉन्फ्रेंस, जो कि दिसंबर 1962 में हुई थी, उसमें कई सजेशंस दिए गए इंडो चाइना वॉर के लिए, उसको एंड करने के लिए. बट द थिंग वॉज कि चाइना ने इनको एग्री नहीं करा, पर इंडिया ने इनको अच्छे से प्रिंसिपली फॉलो किया. तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज कश्मीर प्रॉब्लम, डिस्क्राइब इन डिटेल. मतलब बेसिकली कि कश्मीर की क्या प्रॉब्लम है आखिर, क्यों जो है पाकिस्तान और इंडिया में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं कश्मीर को लेकर. तो अब अपन देखते हैं, एमपी बोर्ड 2009-2010 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज कश्मीर प्रॉब्लम, डिस्क्राइब इन डिटेल. ठीक है, so the Kashmir problem is the most complex between India and Pakistan. तो जो कश्मीर problem है वो most complex problem है किसके बीच में? India और Pakistan के बीच में. ठीक है, after independence two new nations emerged and others native states were given the liberty to merge either with India or Pakistan or remain independent. ठीक है, तो अपन को पता है
जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो सारी ही कंट्रीज को ये फ्रीडम थी कि ठीक है तुमको जिनके साथ मर्ज होना है उनके साथ मर्ज हो जाओ, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ, इंडिया के साथ मर्ज होना है इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, और अगर किसी के साथ मर्ज नहीं रहना, इंडिपेंडेंट रहना है तो तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ऐसा किसने बोला था, मतलब ऐसा क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद सबको ये फ्रीडम थी, ठीक है। है ना, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस टू न्यू नेशंस इमर्ज एंड अदर, हाँ तो टू न्यू नेशन इमर्ज, कौन से टू न्यू नेशंस इमर्ज, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। टू न्यू नेशंस इमर्ज एंड अदर नेटिव स्टेट्स वर गिवन, हाँ, और जो अदर नेटिव स्टेट्स है उनको ये लिबर्टी थी कि वो किसी के साथ भी इमर्ज हो सकते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। नाउ मोस्ट स्टेट्स मर्ज विद इधर इंडिया और पाकिस्तान, तो मोस्टली जो स्टेट्स थे वो किन के साथ मर्ज हुए, या तो इंडिया के साथ मर्ज हो गए या पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गए। मोस्ट स्टेट्स मर्ज विद इधर इंडिया और पाकिस्तान। सो कश्मीर सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया इज बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम सब जानते हैं कश्मीर जो कि नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे है, पड़ता है अपने इंडिया के, वो दोनों ही कंट्रीज के बीच में आता था, ठीक है, आता है बेसिकली, कि इंडिया के भी बॉर्डर से जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ था, बीच में आता था दोनों के बॉर्डर के, है ना। तो द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइडेड टू रिटेन द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हिज स्टेट, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस को बनाए रखता हूँ अपने स्टेट का। राजा हरी सिंह, कौन राजा था वहां का, राजा हरी सिंह थॉट दैट इफ ही एसेड्स टू पाकिस्तान इट विल बी एन इनजस्टिस टू द हिंदी हिंदू पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड बौद्ध पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख, एंड इफ इट मर्जेस विद इंडिया इट विल बी एन इनजस्टिस टू द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर। तो क्या हुआ कि जो अपना पाकिस्तान था, सॉरी, जो अपने राजा हरी सिंह थे, उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ जाऊंगा तो ये एक इनजस्टिस हो जाएगा, किसके साथ, जो मेरे स्टेट के हिंदूज हैं और जो मेरे स्टेट के बौद्ध धर्म के लोग हैं जो कि लद्दाख से हैं, तो इन दोनों ही के साथ क्या हो जाएगा, एक अन्याय हो जाएगा अगर मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता हूँ। क्यों अन्याय हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, एंड इफ इट मर्ज विद इंडिया इट विल बी एन इनजस्टिस Justice to the Muslim population of Kashmir। और अगर वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे तो उनको क्या लगा कि शायद इंडिया एक मोस्टली हिंदू राष्ट्र है, तो अगर हम इंडिया के साथ मर्ज हो जाते हैं तो उनके स्टेट में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है शायद वो बुरा मान जाए। तो इन दोनों ही रीजन से वो जो थे कंफ्यूज थे और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे। Thought that if he accedes to Pakistan, it will be an injustice to the Hindu population of Jammu and Bodh population of Ladakh, and if it merges with India, it will be an injustice to the Muslim population of Kashmir. ठीक है, अब क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू wanted to honor his commitment for plebiscite, but Pakistan violating the condition laid down by the United Nation organizations. तो क्या जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अपनी कमिटमेंट दिखाना चाहते थे प्लेबिसाइट के लिए। प्लेबिसाइट क्या, मैंने पहले ही बताया, प्लेबिसाइट मतलब कि जहाँ पे कश्मीर के लोग ये खुद चूज कर सकते हैं कि उनको किसके साथ आना है, इंडिया के साथ आना है या पाकिस्तान के साथ आना है। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो तो फर्म थे अपनी बात पे कि हाँ हम तो प्लेबिसाइट करवा लेंगे, बट पाकिस्तान वॉयलेटिंग द कंडीशन, लेकिन पाकिस्तान ने कंडीशन को वॉयलेट किया, और कौन सी कंडीशन को वॉयलेट किया, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेट डाउन करी गई थी, उन कंडीशंस को वॉयलेट करा, और उसने अपने ट्रूप्स को अपनी मतलब कि कश्मीर की टेरिटरी से नहीं हटाया, ठीक है, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। द काबिलीज ऑल्सो कंटिन्यूड लिविंग देयर, इवन जो काबिलीज इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, जो काबिलीज पाकिस्तान में आए उन्होंने तक वापस कहीं और जाना मंजूर नहीं किया, वो अभी भी वहीं रह रहे थे, जबकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि दोनों ही कंट्रीज अपनी ट्रूप्स को पीछे कर ले, और उसी के साथ क्या कि सॉरी दोनों ही कंट्रीज अपने ट्रूप को पीछे कर लें, और उसके साथ क्या काबिलीज जो है वो अपने कंट्री वापस चले जाए, यानी कि पाकिस्तान वापस चले जाए, और उसके बाद हम एक प्लेबिसाइट करेंगे,
जो कि ये बताएगा कि पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से किसके साथ कश्मीर रहना चाहता है। तो यही चीजों को फॉलो किसने नहीं किया पाकिस्तान ने। देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू कंडक्ट इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट प्लेबिसाइट, ठीक है, मतलब कि बेसिकली सॉरी देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू कंडक्ट प्लेबिसाइट, मतलब कि अगर दोनों ही ट्रूप पीछे चली जाती हैं और काबिलीज भी पीछे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये पॉसिबल है कि हम एक प्लेबिसाइट करा सकें। Pakistan did not want to withdraw from Kashmir. Rather, it staked its claim over Kashmir, which was under the control of India. तो पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल तैयार नहीं था कश्मीर पे से अपना हक जो है उसको, हक तो क्या ही बोलेंगे, बट फिर भी अपना जो बेसिकली पकड़ है उसको छोड़ने के लिए, ठीक है। रैदर वो क्या क्लेम कर रहा था कि वो कश्मीर को क्लेम कर रहा था कि कश्मीर हमारी ही कंट्री है, ठीक है, जो कि उस वक्त पे इंडिया के कंट्रोल में थी। On 6th February 1954, the Kashmir Assembly passed a resolution to merge the state of Jammu and Kashmir in the Indian Union. ठीक है, तो जो 6th Feb 1954 का जो टाइम था उसमें क्या हुआ, कश्मीर की जो असेंबली थी उसने एक रिजोल्यूशन लिया। क्या रिजोल्यूशन था वो, कि वो मर्ज हो जाएगी। किसके साथ मर्ज हो जाएगी, इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। सो इन 19 डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑन 6th Feb 1954 द कश्मीर असेंबली passed a resolution to merge the state of Jammu and Kashmir in the Indian Union, ठीक है। Secondly, government of India made an amendment in the constitution on 14th May and accorded special status to Jammu and Kashmir under article 370 of the constitution, ठीक है। तो जो government of India थी उसने उन्होंने भी एक amendment बनाई, made an amendment in the constitution, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट बना, अमेंडमेंट मतलब कि एक नया अपडेट बोल सकते हैं, एक नई एक्ट बोल सकते हैं, आर्टिकल बोल सकते हैं। तो ऑन 14th मई को अमेंडमेंट करी गई, एंड अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें क्या था, इसमें क्या किया गया, बेसिकली स्पेशल स्टेटस दिया गया किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। On 26th January 1957, the Constitution of Jammu and Kashmir was amended and the state became an integral part of Indian Union. तो जो भी है, 26 जनवरी 1957 को जो है, जो Constitution है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको amend किया गया, उसको basically update किया गया, और ये जो state है, कौन सा state, जम्मू एंड कश्मीर का जो state है, वो एक integral part बन गया किसका, Indian Union का, ठीक है। Fine. After this, Pakistan constantly tried to raise Kashmir problem and created instability there. इसके बाद जो है पाकिस्तान constantly, मतलब रुक रुक के थोड़ा बहुत जो कश्मीर की प्रॉब्लम वो रेज करता ही रहता था पाकिस्तान, उसको कभी चैन नहीं मिला, उसको कभी शांति नहीं मिली इस बात पे। Pakistan raised the issue in the Security Council and put forth a demand for plebiscite. ठीक है, पाकिस्तान ने जो है वापस से इस इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में उछाला और फिर बोला कि हमको प्लेबिसाइट चाहिए वापस कश्मीर में। जस्ट इमेजिन, जब प्लेबिसाइट करने की बात हो रही थी तब इनको मंजूर नहीं था, तब इन्होंने अपनी आर्मी को पीछे नहीं किया, और अब जब सब कुछ खत्म हो गया, कश्मीर ने मान लिया कि अब हम इंडिया के साथ रहेंगे, तब इनको याद आने लगी कि नहीं नहीं हम तो प्लेबिसाइट कराना चाहते हैं। अब ये लोग सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाके कि हमें प्लेबिसाइट करानी है, इसकी मांग करने लग गए। फाइन, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस सपोर्टेड पाकिस्तान स्टैंड बट इंडिया अपोज्ड इट। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ने ही जो है पाकिस्तान का स्टैंड लिया। ठीक है, पाकिस्तान का स्टैंड लिया, लेकिन इंडिया ने अपोज किया। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सपोर्टेड पाकिस्तान स्टैंड बट इंडिया अपोज्ड इट। सोवियत रशिया, फ्रेंड ऑफ इंडिया, अपोज्ड इट बाय यूजिंग इट्स स्पेशल पावर ऑफ वीटो एंड सेट नॉट टू द इशू। अब जो सोवियत रशिया था, ठीक है, जो कि उस टाइम पे इंडिया का फ्रेंड था, उसने एक स्पेशल पावर, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, और वीटो पावर के इस्तेमाल से उसने इस इशू को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। ठीक है,
In 1962, Pakistan again raised the issue, but Soviet Union again used its special right of veto. ठीक है, 1962 में जो है पाकिस्तान ने फिर से ये जो सोवियत यूनियन की जो सोवियत यूनियन में जो इशू है वो वापस से रेज किया. अगेन रेज द इशू, बट सोवियत यूनियन अगेन यूज इट्स स्पेशल राइट ऑफ वीटो. लेकिन क्या हुआ, सोवियत यूनियन जो थी, मतलब सोवियत रशिया जो थी, उसने अगेन अपना राइट यूज किया वीटो का और इस चीज को बंद कर दिया गया. All the government which come in power in Pakistan try to keep this issue alive, whereas for India it is a question of self-respect. ठीक है, तो जो पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कश्मीर के इशू को हमेशा बुलंदी रखा है, हमेशा यू नो हॉट टॉपिक ही रखा है पाकिस्तान में. ठीक है, तो ये क्या था, ये था बेसिकली कि वाई, व्हाट इज कश्मीर प्रॉब्लम. बेसिकली कश्मीर प्रॉब्लम है क्या, हमने डिटेल में डिस्कस किया. तो बेसिकली अगर हम ओवरव्यू देखें ऊपर से, तो सबसे पहले तो जो है, जब हमारा देश जो इमर्ज हुआ था पाकिस्तान, तो मतलब इंडिपेंडेंस मिली थी, तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू नो कंट्रीज थी जो इमर्ज हुई थी, वो थी पाकिस्तान और इंडिया. अब बाकी जो नेटिव स्टेट्स थे उनके पास ये राइट था कि तुम या तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ, या तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, या तो दोनों में से किसी, या तो दोनों में से किसी के साथ भी मत हो और अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखो. अब कश्मीर जो है उसकी बॉर्डर दोनों के साथ शेयर होती है, बेसिकली दोनों ही कंट्रीज के बीच में आता था वो. अब वहाँ के जो राजा थे, बेसिकली राजा हरी सिंह, उन्होंने सोचा कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ मिल जाता हूँ तो ये एक अन्याय होगा मेरे हिंदू और मुस्लिम सिटीजन्स के लिए, और अगर मैं इंडिया के साथ मिल जाता हूँ तो ये एक अन्याय होगा मेरे मुस्लिम सिटीजन्स के लिए. तो उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस को मेंटेन करने की सोची. लेकिन कुछ टाइम बाद जो है क्या हुआ कि जो पाकिस्तान ने क्या किया कि वहाँ पे अपने काबिलीज भेजना चालू कर दिया, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन चालू कर दिया. जब ये चीज़ें बहुत बढ़ गई तो जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने सुनी, किसकी सुनी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन थी उनकी सुनी और बोला ठीक है हम प्लेबिसाइट करवाएंगे. लेकिन पाकिस्तान ने उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करा और जिसके वजह से प्लेबिसाइट हो नहीं सका. लेकिन कुछ टाइम बाद जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उन्होंने खुद ही ये बोला कि हम जो है इंडियन यूनियन के पार्ट बन रहे हैं, सॉरी हम इंडियन यूनियन के पार्ट बन रहे हैं. इंडियन यूनियन के पार्ट बनने के साथ ही क्या हुआ था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी है, उसमें एक अमेंडमेंट हुई किसके अंतर्गत, आर्टिकल 370 के अंतर्गत. ठीक है, उसके बाद भी क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था उसको चैन नहीं मिला, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल में जा जाके बार बार प्लेबिसाइट की डिमांड करने लग गया. लेकिन जो और बेसिकली जो अपनी अमेरिका है और अपने दो तीन और स्टेट्स के बारे में अपन ने देखा, उसने किसको सपोर्ट किया, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया. और दूसरी चीज़ क्या, हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों ने ही किसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया. हाँ, और इंडिया को किसने सपोर्ट किया था, सोवियत रशिया, जो कि स्पेशल फ्रेंड था इंडिया का, उसने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और वो क्या बोलते हैं, और इस टॉपिक, जो टॉपिक इसने निकाला था पाकिस्तान ने, वहां पे जाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए एंड कर दिया. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं. राइट द इफेक्ट्स ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 और राइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1965. तो भाई इफेक्ट लिखना है अपन को इंडो पाक वॉर का. ठीक है, क्या इफेक्ट हुआ था बेसिकली इंडो पाक वॉर का 1965 में जो कि हुई थी, और या फिर अगर हम या फिर इसको हम ऐसे देख लें कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे बेसिकली इंडो पाक वॉर के 1965 में. ठीक है, सो आंसर देख लेते हैं. टू प्रिवेंट द इनफिल्ट्रेशन फॉर पाकिस्तान, वॉर ओपन बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन 25th August 1965. प्रिवेंट द इनफिल्ट्रेशन फॉर पाकिस्तान, अपन को पहले से भी पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया में जो है लोगों को भेज रहा था, इनफिल्ट्रेट कर रहा था, है ना, काबिलीज को भेज रहा था. क्यों भेज रहा था, ताकि वो किसी तरह पूरे कश्मीर को हथिया ले, पूरे कश्मीर के लोगों को भड़का दे, वहां पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दे, जो भी है. तो वहां के लोग क्या होंगे, पाकिस्तान को
सपोर्ट करने लगेंगे टू प्रिवेंट द इन्फिल्ट्रेशन फॉर पाकिस्तान. मतलब ये जो इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान कर रहा था इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है एक वॉर छिड़ गई दोनों ही कंट्रीज के बीच में. कब? 25 अगस्त 1965 पे पाकिस्तान आर्मी कुड अटैक एंड टुक प्रोसेशन ऑफ अखनूर एरिया. तो क्या हुआ कि पाकिस्तान आर्मी कुड अटैक मतलब कि वो अटैक कर सकती थी और वहां का पोजीशन जो है वो ले सकती थी. कहाँ का? अखनूर एरिया का. पाक एयरफोर्स ऑल्सो लॉन्च एन एरियल अटैक ऑन अमृतसर. इवन पाक के जो एयरफोर्स थे उन्होंने एक एरियल अटैक मतलब कि हवा से जो अटैक होते हैं वो चालू कर दिए. कहाँ पे? अमृतसर में. Therefore, to suppress the Pakistan army, India attacked the Punjab area of Pakistan from three sides and the Indian forces headed towards Lahore. ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये सारी जब पाकिस्तान इस तरह की चीजें करने लग गया और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था सेल्फ डिफेंस के अलावा, तो हमने भी जो है उनके पाकिस्तान के आर्मी को फाइट बैक किया. और हमने सबसे पहले अगर कहीं पे हमला किया तो वो क्या था? पंजाब रीजन जो था पाकिस्तान का, उसको तीन जगहों से उस पर अटैक किया और उसको कॉन्क्वर करने के बाद हम लाहौर की तरफ बढ़ने लग गए थे. ठीक है, देयरफॉर टू सप्रेस द पाकिस्तान आर्मी इंडिया अटैक द पंजाब एरिया ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम थ्री साइड्स एंड द इंडियन फोर्सेज हेडेड टुवर्ड्स लाहौर. This was such an undeclared war where both the armies fought on the eastern borders. ठीक है, तो ये जो war था ये काफी undeclared था, बस ये छिड़ गया था, इसके बारे में कोई announcement नहीं हुई थी. It just happened. ठीक है, तो undeclared war. और ये कहाँ पे हो रहा था? दोनों ही countries eastern borders पे जो है इसके लिए लड़ रही थी. Ceasefire. With the intervention of United Nation Organization, there was ceasefire on 23 September 1965. तो देखा जाए तो एक ceasefire हुआ था इन दोनों ही countries के बीच में. कहाँ पे? किसके द्वारा? United Nation Organizations के द्वारा 23 September 1965 को. ceasefire मतलब कि जो भी अभी जहाँ पर हो वहीं पे रुक जाओ. ठीक है. At the time of ceasefire, Indian Army had captured about 740 kilometers area of Pakistan and about 240 square ceasefire Indian Army had captured about 740 kilometers area of Pakistan and about 240 square kilometers out of India was in possession of Pakistan. तो जो है हमने इंडियन आर्मी ने जब भी सीज फायर किया गया तो इंडियन आर्मी ने 740 किलोमीटर की जो एरिया थी पाकिस्तान की वो ऑक्यूपाई कर चुकी थी और जो पाकिस्तान था उसने कितना 240 स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया का पोजेस कर चुका था. इन 1965 वॉर इंडिया वन. ठीक है, तो अगर हम इस वॉर की बात करें 1965 की वॉर की बात करें तो इंडिया जो है जीत चुकी थी. इंडिया जो है इसमें जीत गई थी. फॉलोइंग वर द इफेक्ट्स ऑफ दिस वॉर. और इस जो इस वॉर के कुछ इफेक्ट्स हुए थे तो अब वो हम देख रहे हैं क्या थे. सबसे पहले अफेक्ट जो था, पाकिस्तान वांटेड टू सॉल्व कश्मीर इशू बाय वॉर्स बट कुड नॉट सक्सीड. तो जो है पाकिस्तान जो है कश्मीर इशू को जीतना चाहता था, कश्मीर को किसी तरह ऑक्यूपाई करना चाहता था. कैसे ऑक्यूपाई करना चाहता था? वॉर से ऑक्यूपाई करना चाहता था. बट वो सक्सीड नहीं हुआ, पर वो जीत ही नहीं सका. पाकिस्तान वॉन्टेड टू सॉल्व कश्मीर इशू बाय वॉर्स बट कुड नॉट सक्सीड. सेकेंड क्या था? पाकिस्तान बिलीव दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर विल साइड विद पाकिस्तान बट सच थिंग डिड नॉट हैपन. पाकिस्तान ने ये सोचा कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की वो क्या करेगी, वो पाकिस्तान के साइड हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की कह रही हूँ, कश्मीर में जो है बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है. तो पाकिस्तान को क्या लगा कि इतनी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के कारण जो पाकिस्तान जो कश्मीर है वो क्या होगा, पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पाकिस्तान बिलीव दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर विल साइड विद पाकिस्तान बट सच थिंग डिड नॉट हैपन. ठीक है, इंडिया प्रूव्ड दैट द बेस ऑफ सेक्युलरिज्म इन द कंट्री इज स्ट्रॉन्ग. इंडिया ने ये प्रूव किया क्यों इतनी मुस्लिम कंट्रीज के होने के बावजूद जो पाकिस्तान जो कश्मीर के लोग थे वो पाकिस्तान को नहीं चले गए. इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में कुछ भी हिंदू मुस्लिम जैसा नहीं है. बेसिकली इंडिया में बहुत ही ज्यादा सेक्युलरिज्म है ना. तो इस सेक्युलैरिटी की वजह से जो ये कश्मीर के मुसलमान भी थे उनको किस पे ट्रस्ट था? इंडिया पे ट्रस्ट था. ठीक है, और जो तो अब यही बोला गया है कि इंडिया ने क्या प्रूफ किया कि इंडिया की जो सेक्युलरिज्म है वो काफी स्ट्रांग है. इंडिया प्रूव दैट द बेस ऑफ सेक्युलरिज्म इन द कंट्री स्ट्रांग. द
Morale of the people of India and Indian army was very high and the Indian army fought with indigenous weapons. जो मोराल था बेसिकली, जो नियत थी या फिर जो उसूल थे किसके, अपने इंडियन आर्मी के, वो बहुत ही ज्यादा हाई थे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, ठीक है. और इंडियन आर्मी फॉट विथ इंडिजीनियस वेपन्स, और अपने पास अच्छे वेपन्स थे, यू नो, किसी भी बाहर के एक्सटर्नल एजेंट से फाइट बैक करने के लिए. अ रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द इंडो पाक वॉर वॉज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. जो रोल था यूनाइटेड नेशन का इंडो पाक वॉर में, वो भी काफी इम्पॉर्टेंट था. द यूनाइटेड नेशन सक्सीडेड इन इट्स एफर्ट टू रिस्टोर पीस बिकॉज अमेरिका एंड रशिया बोथ एक्सटेंडेड देयर वैल्यूएबल सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशंस. तो जो यूनाइटेड नेशन जो थी वो सक्सेसफुल हो गई थी पीस रिस्टोर करने में, ठीक है, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों ही जो थे उन्होंने अपना वैल्यूएबल सपोर्ट दिया था यूनाइटेड नेशन को. तो इन कंट्रीज के वजह से क्या हुआ कि दोनों ही कंट्रीज, यानी कि अपनी इंडिया और जो पाकिस्तान है उनके बीच में पीस रिस्टोर हो गया था. United Nations succeeded in the efforts to restore peace. ठीक है. For Pakistan, this war proved fatal. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये जो वॉर था वो फेटल प्रूव हुआ, मतलब कि ये किसी फायदे का प्रूव नहीं हुआ, ये एक हारी हुई बाजी साबित हुई. ठीक है. दिस वॉर प्रूव फेटल. द डिफीट इन द वॉर प्रूव दैट द आर्मी डिक्टेटरशिप हैड नॉट बीन इफेक्टिव. द डिफीट ऑफ द वॉर, मतलब कि वॉर में जो डिफीट हुआ उसने क्या प्रूव करा कि आर्मी डिक्टेटरशिप जो है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होती है. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम देखें इसको अगेन, तो क्या हुआ था कि जो राइट द इफेक्ट्स ऑफ मतलब इंडो पाक वॉर, तो सबसे पहले तो ये चालू कैसे हुआ था, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटर्स भेज रहा था कहाँ पे, कश्मीर में. क्यों? कश्मीर को किसी तरीके से हथियाने के लिए, ठीक है. और इसी वजह से 25 अगस्त 1965 को इन दोनों ही के बीच में एक वॉर छिड़ गई थी. ठीक है. पाकिस्तान जो था वो अखनूर एरिया को किसी तरह ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से सेल्फ डिफेंस में इंडिया ने जो है कहाँ पे अटैक करा, पंजाब रीजन में अटैक किया जो कि पाकिस्तान का था, तीन साइड से. और इसके बाद वो कहाँ पे हेड करना चालू हो गया, लाहौर की तरफ हेड करना चालू हो गया. इंडिया ने इंडिया इस वॉर में जो है बेसिकली जीत गया था. वहाँ के जो आर्मी जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने बेसिकली सरेंडर कर दिया था इंडिया को, है ना. तो इंडिया के जीतते ही क्या हुआ कि तो इंडिया तो जीत गया था बेसिकली, ये अपन को देखना है. और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे इस चीज के. सबसे पहले अपन ने देखा कि पाकिस्तान क्या चाहता था कि वो कश्मीर इशू को कैसे ठीक कर दे, वॉर से ठीक कर दे. पाकिस्तान कश्मीर को ऑक्यूपाई कर ले, कैसे, वॉर से ऑक्यूपाई कर ले. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है. पाकिस्तान के जो उस पाकिस्तान ने सोचा कि यहाँ पे बहुत मुस्लिम है, तो क्या होगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो होगी वो इंडिया की तरफ हो जाए, सॉरी, वो पाकिस्तान की तरफ हो जाएगी. ऐसा भी नहीं हुआ. इससे इस वजह से क्या प्रूफ हुआ, इंडिया की एक तो सेक्युलरिटी प्रूफ हुई कि इंडिया कितनी सेक्युलर कंट्री है, ये प्रूफ हुआ. सेकेंडली क्या, द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द इंडो पाक वॉर वॉज इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन का जो रोल था इंडो पाक वॉर में वो भी काफी इम्पॉर्टेंट था. ठीक है. इन्होंने ये लोग सक्सेसफुल हो गए थे दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस रिस्टोर करने में ये दोनों कंट्रीज सक्सेसफुल हो गए थे. ठीक है. क्वेश्चन वन, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब कि एक यू नो डेट्स के ऑर्डर में क्या चीज पहले हुई, क्या चीज बाद हुई, उस ऑर्डर में बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान में से मतलब इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बारे में. सबसे पहले वॉर कैसे कब हुआ था, 1965 को, फिर हुआ था 1967 में, फिर हुआ था 1971 में, और फिर 1998 में. ठीक है. तो अपन इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं कब कब क्या क्या वॉर हुआ, है ना. तो ये था क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करें, प्लीज कलेक्ट द पिक्चर. ठीक है. तो ये पिक्चर्स वगैरह है, ठीक है, तो ये सब तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना. तो ये थी पूरी बैक एक्सरसाइज इसकी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है. इसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे अगली वीडियो से.